गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 रिकी टिकी टावी रीड करेंगे। सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस अपने चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं और पहचानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद स्नेक्स। आपको अपने एक्सपीरियंस, आपके जो बिहेवियर होता है स्नेक्स को देख के, वो उसमें बताना है। जैसे हैव यू एवर कम अक्रॉस अ स्नेक, क्या आपने कभी भी स्नेक्स को अपने पास से देखा है। हाउ डिड यू बिहेव, आपने किस तरीके से बिहेव कराया, उसे देखकर आप डर गए या आपको खुशी हुई उसे देखकर, या बहुत ही ज़्यादा स्केयर हो गए। हाउ डिड द स्नेक बिहेव, स्नेक ने किस तरीके का बिहेवियर करा है। डू यू नो एनी पर्सन हु आर फ्रेंडली विद स्नेक्स, क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो स्नेक्स के साथ में फ्रेंडली हो रहता है, दोस्ती रखता है। डू यू नो एनी एनिमल दैट फाइट स्नेक, क्या आप किसी ऐसे एनिमल को जानते हैं जो स्नेक्स के साथ में लड़ाई करता है। हैव यू सीन अ मॉन्गूस, क्या आपने कभी भी मॉन्गूस को देखा है। वॉट डू यू थिंक अ मॉन्गूस इज़ वेल मेस्ड इन अ फाइट अगेंस्ट अ स्नेक, क्या आप ये समझते हैं कि जो मॉन्गूस होता है वो एक परफेक्ट मैच होता है स्नेक्स के साथ फाइट करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम एक मॉन्गूस और एक स्नेक के बारे में ही रीड करेंगे। तो देखिए, नाउ रीड अ स्टोरी फीचरिंग अ मॉन्गूस एंड अ स्नेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम एक मॉन्गूस और स्नेक की स्टोरी रीड करते हैं। इट हैड रेन्ड हैविली ऑल नाइट, पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10 रेन आउट इनटू द गार्डन, एक टेडी नाम का लड़का है जो 10 साल का है, भागता हुआ अपने गार्डन में, अपने बगीचे में आता है। He saw a mongoose lying wet and still on the grass. उसने एक मॉन्गूस को, एक मॉन्गूस मतलब एक नेवला, नेवले को ज़मीन पर गीला मतलब जो ज़मीन पर था वो गीला हो चुका था नेवला। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी रात भर से, तो वो इस वजह से गीला हो चुका था और वो ज़मीन पर एक बिना हिले डुले पड़ा हुआ था, मतलब जिस ज़मीन थी वहाँ पर वो बिना हिले डुले लेटा हुआ था। टेडी ही हियर इज़ अ डेड मॉन्गूस, टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, टेडी ने अपनी मदर को ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोला कि मदर प्लीज़ अंदर आइए, यहाँ पर एक मरा हुआ मॉन्गूस, एक मरा हुआ नेवला ज़मीन पर लेटा हुआ है। लेट्स बरी हिम, आइए इसे ज़मीन में, मट्टी में, ज़मीन में गड्ढा खोद के दफना देते हैं इसे, इसके अंदर गड्ढे में डालकर बरी कर देते हैं, इसके अंदर डालकर किसमें एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे में खोदकर उसे गाड़ देंगे, इसको बोलते हैं बरी। नो सेड टेडीज मदर, टेडी की मदर ने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे। हिज हार्ट इज़ बीटिंग फेंटली, इसका हार्ट धीरे धीरे चल रहा है। परहैप्स ही विल लिव, और इसी वजह से ये ज़िंदा हो जाएगा। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्रा हिम, चलो इसे अंदर ले चलते हैं और अंदर ले जाकर इसे सुखाते हैं। टेडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर, टेडी के फादर ने उसे एक मफलर के, रैप्ड मतलब एक मफलर, वुलन मफलर था यानी कि ऊनी मफलर था, उसके अंदर लपेट दिया और उसे आग के पास रख दिया। द मॉन्गूस स्नीज्ड, जो मॉन्गूस था वो सांसें लेने लगा, उसने स्नीज्ड करना, उसने सांसें लेना शुरू कर दिया। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड, टेडी और उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड, जैसे ही उसे होश आया तो उन्होंने उसे खाने के लिए कुछ मीट और फिर खाने के लिए दिया और उसके बाद उसे लेकर बाहर चले आए। ही सैट इन द सन एंड शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक लाइक अ बॉटल ब्रश, और उसे लेकर सूरज की किरणों, मतलब उसे लेकर बाहर आ गए जहाँ पर उसे सूरज की किरणें मिल रही थी। जैसे ही उसे हीट मिली, उसने अपना शुक यानी हिलाना, अपनी लॉन्ग सी जो फ्लफी सी यानी गुदगुदी सी जिसमें बहुत सारे बाल हो रहे थे, उस टेल को हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो झाड़ियों में छुपे हो, झाड़ियाँ हिलती हैं उस तरीके से उसने अपनी टेल को हिलाना शुरू कर दिया। सून टेडी एंड द लिटिल मॉन्गूस बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, जल्दी ही टेडी और जो छोटा सा नेवला था वो आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। द मॉन्गूस वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग,
रिकी टिकी टिकी टिकी। जो मोंगूस था, जो नेवला था, वो पूरे जो वहाँ पर घास खड़ी थी उसमें भागता फिरता था और आवाज़ निकालता रिकी टिकी टिकी टिकी। टेडी यूज़ टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी टावी। तो टेडी उसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर हंसता था और उसने उसे एक नाम दिया रिकी टिकी टावी नाम से उसे बुलाने लगा। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। एक सुबह की बात है, रिकी टिकी गार्डन के अंदर बगीचे के अंदर घूम रहा था। देयर ही सॉ नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नगीना। वहाँ पर उसने एक नाग बड़े से कोबरा को और उसकी वाइफ नगीना को देखा। ऑल्दो रिकी टिकी वॉज यंग ही नो दैट स्नेक्स वर हिज एनिमीज। अब जैसे कि रिकी टिकी था वो एक बहुत मतलब यंग था, वो समझता था कि जो स्नेक है वो उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो उनके एनिमीज होते हैं, उनके दुश्मन होते हैं। नाग ऑल्सो न्यू दैट अ मोंगूस इन द गार्डन मीन डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली। नाग भी जानता था कि वो जो मोंगूस है, जो नेवला है, वो इस गार्डन में रहता है, अगर वो देख लेता है उन्हें तो वो उन्हें मार देगा और उसकी फैमिली को भी ख़त्म कर देगा। इट वॉज़ नाइट, टेडी कैरीड रिकी टिकी टू हिज बेड एज यूजल। ये रात के समय हो गया, टेडी रिकी टिकी को लेकर बेड पे चला गया जैसे वो हमेशा उसे लेकर जाता था। बट एज सून एज द बॉय वॉज असलीप रिकी टिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइट वॉक थ्रू राउंड द हाउस। अब जैसे ही बच्चा सो जाता है, टैडी सो जाता है, रिकी टिकी अपनी नाइट राइड के लिए यानी नाइटली वॉक के लिए जाता है, जो घर के आसपास वो पहरा देता होता है। एज ही मूव्ड अबाउट ही हर्ड अ फेंट साउंड। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है उसे एक धीमी धीमी आवाज़ आती है। इट केम फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टैडीज पेरेंट्स। ये आवाज़ टैडी के पेरेंट्स के यानी टैडी के माता पिता के बाथरूम में से आ रही होती है। रिकी टिकी क्विकली एंटर द बाथरूम। रिकी टिकी जल्दी से बाथरूम में पहुंच जाता है। ही कुड हियर नाग एंड नगीना टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम डोर। वो उन जो नाग और नगीना की बातें हो रही थी, जो दूसरी तरफ बाथरूम साइड पे बात कर रहे थे, वो सब सुन लेता है। नगीना वॉज टेलिंग हर हस्बैंड किल द थ्री पीपल इन द हाउस, द मोंगूस विल गो अवे व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट। तो वो जो नगीना होती है वो अपने पति नाग से कह रही होती है कि तुम इन तीनों को मार दो तो वो जो नेवला है वो यहाँ से चला जाएगा। देन वी विल हैव द गार्डन टू ourselves, और उसके बाद ये बगीचा, ये गार्डन हमारा हो जाएगा। रिकी टिकी सॉ नाग स्लिटरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। रिकी टिकी ने नाग को रेंककर बाथरूम में आते हुए कहाँ से देखा, ड्रेनेज यानी जो ड्रेनेज पाइप होता है जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ से नाग को अंदर आते हुए देख लिया। नाग न्यूज़ दैट टैडीज़ फादर वुड कम टू द बाथरूम अराउंड मिडनाइट। नाग को ये पता था कि जो टैडी के फादर है वो रात में, मतलब जो आधी रात हो जाती है तो वो बाथरूम जाते हैं। सो ही कॉइल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट टू स्लीप। तो उसने अपने आप को वहीं पर एक गोला बनाकर, मतलब गोल सर्कल में बैठकर वहीं पर वो सो गया। रिकी टिक्की वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर वॉचिंग नाग। रिकी टिक्की वहीं उस दरवाजे के पीछे छुपा रहा और वो उस नाग को देखता रहा। वेन नाग वॉज फास्ट असलीप रिकी टिक्की जम्प्ड ऑन हिज हेड एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लैश। जैसे ही उसने देखा कि जो नाग है वो सो गया है, जल्दी से सो गया है, तो रिकी टिक्की उसके सर के ऊपर कूद गया और अपने जो दांत थे वो स्नेक के फ्लैश में यानी कि स्नेक के अंदर गड़ा दिए। उसने वो दोनों दांतों को स्नेक के अंदर मतलब काटने के लिए उसके अंदर लगा दिए। नाग वॉज फ्यूरियस, नाग को गुस्सा आ गया। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड रिकी टिक्की वॉज फ्लंग अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। अब जैसे ही नाग को गुस्सा आया तो उसने अपना सर जोर जोर से हिलाकर साइड टू साइड मतलब बार बार इधर से उधर फेंकने लगा और रिकी टिक्की को इस वजह से बार बार वॉल पे लगने की वजह से उसे चोट आने लगी। रिकी टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। रिकी टिक्की को लगा कि वो अब मर जाएगा। ही वॉज ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज होल्ड्स ऑफ नाग्स हेड। रिकी टिक्की के खून निकलने लगा, मतलब जब नेवला था उसके खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसने उस नाग के सर को नहीं छोड़ा। ड्यूरिंग द स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सोप डिश।
अब इस लड़ाई के टाइम पर ही नाग की जो पूंछ थी उसकी वजह से एक जो मग और सोप था वो वहाँ से गिर जाते हैं। दे फेल टू द ग्राउंड विद अ क्लटर। वो वहाँ से गिर जाते हैं और एक ज़ोरदार आवाज़ करते हैं। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। और कुछ ही देर में वो खोखा लड़ाई बंद हो जाती है। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड ही डिड नॉट मूव। और नाग का जो हेड होता है, सर होता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो बिल्कुल ही मूव करना बंद कर देता है। टैडीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग दिस नॉइज हैड शॉट नाग विद हिज गन। जो टैडी के फादर थे जो बाथरूम के अंदर आए थे, उस आवाज़ को सुन के उन्होंने उस नाग को बंदूक से गोली मार दी होती है। टैडीज फादर पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। टैडीज के फादर ने रिकी टिकी को, जो ब्लडिंग रिकी टिकी था यानी जिसके खून निकल रहा था, उसे उठाया और वापस अपने बेडरूम में आ गए। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिकी टिकीज वाउंड। जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनसे कहा कि आप रिकी टिकी के घावों पर दवाई मलहम लगा दीजिए। आई किल्ड द स्नेक ही सेड बट रिकी टिकी सेव्ड आवर लाइफ। जो मिस्टर टैडी के फादर थे उन्होंने बोला मैंने सांप को तो मार दिया पर रिकी टिकी ने हम सभी की जिंदगियां बचा ली। टैडीज मदर वॉश रिकी टिकीज वाउंड विद मेडिसिन। टैडी की मदर ने रिकी टिकी के घाव को मेडिसिन से साफ किया। शी पैटेड हिज सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज। उन्होंने उसके जो खून जहाँ पे उनकी चोट लगी थी उस सर को साफ करके उसे कुछ टॉफीज दी। अंडर हर लविंग केयर रिकी टिकी फेल्ट बेटर। उनकी इतने अच्छे लविंग केयर की वजह से, प्यार की वजह से उसे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। उसे अपने दर्द का एहसास नहीं हुआ और उसे वहाँ अच्छा लग रहा था। सो ही फ्लफेड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ टू टैडीज रूम। और इसी वजह से उसने अपनी टेल को उठाया और हिलाकर दिखाया और वहाँ से टैडी के रूम के लिए चला गया। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन।